Hey guys, welcome back to Super Mom. I am Bhavna, mom of two kids. आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि प्रेगनेंसी के टाइम आपको आयरन और कैल्शियम जो सप्लीमेंट होते हैं वो आपको किस मंथ से स्टार्ट करने चाहिए और दिन में आपको किस टाइम लेने चाहिए, उनको लेने का राइट टाइम क्या होता है, आज इस बारे में बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है देन सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर वीडियो पसंद आए तो लास्ट में लाइक करके शेयर जरूर करें। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस, प्रेगनेंसी के टाइम क्या होता है, जो हमारी बॉडी होती है उसमें कई सारे चेंजेस आते हैं। जो हमारा बेबी होता है वो हर चीज की डिमांड करता है, तो हमारी जो बॉडी है उसको वो डिमांड फुलफिल करनी होती है, जैसे कि कैल्शियम और आयरन उसमें से जो है मेन सप्लीमेंट्स माने जाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी प्रेगनेंसी के 4 मंथ से जो है अपने आयरन और कैल्शियम सप्लीमेंट जो है रेगुलर बेसिस पे लेने स्टार्ट करने हैं। 3 मंथ तक तो आपके चलेंगे फॉलिक एसिड, मैंने उसकी वीडियो बनाई हुई है अपने चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। तो उसके बाद आपको जैसे ही आपका प्रेगनेंसी का 4 मंथ स्टार्ट होगा आपको लेने हैं अपने आयरन और कैल्शियम सप्लीमेंट। और आपका जो इसको लेने का टाइमिंग होगा, आप इसके बीच में कम से कम 1 घंटे का गैप दें। कुछ डॉक्टर बोलते हैं 1 घंटे का गैप दें, कुछ बोलते हैं 2 घंटे का गैप दें, लेकिन आपको क्या करना है, आप मॉर्निंग में जो है अपने आयरन सप्लीमेंट लें और रात को सोने के टाइम दूध के साथ आप अपना कैल्शियम सप्लीमेंट लें। आपको आयरन और कैल्शियम जो टेबलेट है वो एक साथ नहीं लेनी है, अदरवाइज क्या होगा, जो हमारी बॉडी है वो आयरन को ऑब्जर्व नहीं करेगी। जब भी हम आयरन और कैल्शियम एक साथ लेते हैं तो हमारी बॉडी जो है आयरन को ऑब्जर्व नहीं करती है, इसलिए दोनों टेबलेट को लेने में कम से कम जो है 1 घंटे का गैप जरूर होना चाहिए। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप सुबह के टाइम जो है अपनी आयरन सप्लीमेंट ले लें और इवनिंग या नाइट में आप अपने कैल्शियम सप्लीमेंट ले लें। और जब आप आयरन सप्लीमेंट लें तो दूध का इस्तेमाल ना करें, मीन्स ऐसा ना हो कि आप ब्रेकफास्ट में जो है आप अपना कर्ड खा रहे हैं या आप दूध ले रहे हैं और साथ ही आप अपना आयरन सप्लीमेंट ले रहे हैं, आपको ऐसे नहीं करना है, अदरवाइज आपकी बॉडी जो है आयरन ऑब्जर्व नहीं करेगी। अगर आप मॉर्निंग में दूध दही या पनीर ले रहे हैं तो आपको आयरन टेबलेट उसके 1 घंटे बाद लेनी है। आयरन टेबलेट में ऑलरेडी फोलिक एसिड होता है, तो 4 मंथ से आपको जो है फोलिक एसिड स्टॉप करके सिर्फ आयरन ही लेनी है। आयरन टेबलेट लेने के बाद आपको दूध या दूध से बनी हुई चीजें उसके 1 घंटे बाद ही लेनी है, 1 घंटे के अंदर अंदर आपको दूध से बनी हुई चीजें नहीं लेनी है। तो गाइस, आपको क्या करना है, आपने मॉर्निंग में लेने हैं आयरन सप्लीमेंट, इवनिंग या नाइट में आपको लेने हैं अपने कैल्शियम सप्लीमेंट्स, और आपको प्रेगनेंसी के 4 मंथ से लेने स्टार्ट करने हैं। और आपको ये तब तक लेनी है जब तक आपका बच्चा जो है ब्रेस्ट फीड पर रहेगा। कुछ डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि जब तक बच्चा 6 महीने का ना हो जाए आप तब तक ये लें, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जब तक आपका बच्चा ब्रेस्ट फीड पर है, जब तक आप उसे ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं, तब तक आप अपने आयरन और कैल्शियम सप्लीमेंट जो है वो ना स्टॉप करें। क्योंकि क्या होगा, जब आपका बच्चा ब्रेस्ट फीड पे होगा तब भी आपकी बॉडी को जो है इन चीजों की नीड पड़ेगी। अगर आप अपने आयरन या कैल्शियम सप्लीमेंट्स कम कर देंगे तो आपका बेबी जो है वो आपकी बॉडी से ये सब चीजें लेने लगेगा और आपकी बॉडी में जो है कैल्शियम की कमी हो जाएगी। इसलिए जब तक आपका बच्चा जो है वो ब्रेस्ट फीड पर रहेगा तब तक आप अपने आयरन और कैल्शियम सप्लीमेंट जो है वो कंटिन्यू लेते रहें। क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम क्या होता है, जो मदर होती है और जो बेबी होता है दोनों की ही बॉडी जो है उनकी डिमांड इंक्रीज हो जाती है, इसलिए उनकी डिमांड को देखते हुए आयरन और कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रेगनेंसी में ऑलमोस्ट सब लेडीज जो है मिल्क लेती है, बट अगर आप मिल्क वगैरह नहीं पीते तो अपने डॉक्टर से आप बात करके अपने जो कैल्शियम की डोज है वो डबल करा लीजिएगा। यानी कि यूजुअली डॉक्टर क्या करते हैं, 500 mg की आपको कैल्शियम टेबलेट देते हैं खाने के लिए, लेकिन अगर आपसे दूध नहीं पिया जा रहा, दूध पी के आपको वोमिट हो रही है, तो आप क्या करें, डॉक्टर से एक बार बात करें और उन्हें बोलें जो आपकी कैल्शियम टेबलेट की डोज है वो डबल कर दें। यानी कि तब आपको क्या करना है, मॉर्निंग में आपको आयरन लेनी है, लंच के बाद आपको एक कैल्शियम टेबलेट लेनी है और एक टेबलेट आपको डिनर के बाद लेनी है, इन केस अगर आप दूध नहीं पीते हैं तो। लेकिन अगर आप दूध पीते हैं तो आपके लिए 1 कैल्शियम टेबलेट जो है वो सफिशियंट रहेगी। अगर वीडियो हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें, और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, माय इंस्टाग्राम यूजर नेम इज supermom9163। मेरे चैनल पे जो है प्रेगनेंसी, चाइल्ड केयर और ट्रैवलिंग वीडियोस की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर देख सकते हैं वहां पर। और वीडियोस पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद समथिंग न्यू, तब तक के लिए बाय बाय।